भगवान बुद्ध के, भगनवान बुद्ध के जीवन काल में एक और समुदाय था। उस समुदाय के जो मुखिया थे, हेड थे, जो वहाँ शास्त्र थे, टीचर थे, सिखाते थे, उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद में उनके जो अनुयायी थे उनमें उनका स्थान लेने के लिए आपस में वाद विवाद होने लगा। उनका वाद विवाद देखकर जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे और जो उनसे सीख रहे थे, उन्होंने भगवान बुद्ध से निवेदन किया कि वहाँ झगड़ा हो रहा है कि उनके बाद में कौन सिखाएगा, कौन रहेगा, कौन हेड रहेगा, चीफ कौन रहेगा, मुखिया कौन रहेगा, प्रधान कौन रहेगा, तो कृपया आप यहाँ पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे कि बाद में कोई झगड़ा ना हो और सब कुछ ठीक ठाक रहे। ये बात जब भगवान बुद्ध के संज्ञान में आई और ये प्रश्न आया, तो उन्होंने कहा कि दो तीन बार उन्होंने निवेदन किया कि आप धम्म का, संघ का, विनय का कोई ना कोई उत्तराधिकारी घोषित कर दें या बता दें। तो बुद्ध ने, ये कमाल की बात है कि पूरे जीवन भर धम्म को सिखाया, मगर उस पूरे धम्म में उन्होंने अपने लिए या अपने परिवार के लिए कोई स्थान नहीं रखा। एक सिंगल बात भी उन्होंने अपने या अपने परिवार के लिए उसमें नहीं रखी। और ये बट नेचुरल भी है, क्योंकि जो बुद्ध होगा वो मैं, मेरा, अपमान, सम्मान, इन सब से ख़त्म हो जाता है, तब जाके वो बुद्ध बनता है। और अगर वो कोई स्थान रखता है या कोई बात ऐसी रखती है, तो वो इसका मतलब बुद्ध नहीं बना। तो ये नेचुरल सी बात थी कि बुद्ध उसमें कोई अपना स्थान, क्योंकि बुद्ध ने जीवन पर्यंत अपने आप को शुद्धोदन का और महामाया का पुत्र बताया और एक इंसान बताया। उन्होंने कभी अपने आप को कोई खास ग्लोरीफाइड या कोई बहुत ऐसा स्पेशल करेक्टर नहीं बताया जिससे कि लगे कि कहीं कुछ उन्होंने अपने लिए ऐसा रखा है। जो वो थे वो बताते थे, इसलिए उनको तथ्यों पर आधारित आगत बोलते थे। जो तथ्यों पर बात होती थी वही वो बताते थे, इसलिए वो तथागत थे। जब प्रथम असेंबली हुई, फर्स्ट उनके डेथ के बाद में, तब भी जो संघायन हुई, संघायन का मतलब है संघ के साथ गायन, जो उन्होंने वहाँ सीखा और वो गाया, जो बनाया, उसमें अध्यक्ष रहे थे महाकश्यप, और आनंद ने वहाँ धम्म और उपाली ने वहाँ विनय बताया। उसमें जो त्रिपिटक बनाया उसके अंदर भी उनका या उनके परिवार का कोई भी स्थान उसमें नहीं था। संपूर्ण पिटक बना, उसमें भी उनकी कोई जीवन की जीवनचर्या या उनके परिवार के बारे में कोई बात किसी तरह की उसमें नहीं आई। बुद्ध ने कहा कि आपका जो टीचर होगा वो धम्म स्वयं होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। वो ये कहते हैं कि जो धम्म मैंने सिखाया है उसमें कोई संदेह है क्या आपको? अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, अभी मैं जीवित हूँ। ये धम्म ही आपका सास्ता होगा, ये धम्म ही आपका रास्ता दिखाएगा, और धम्म स्वयं का उत्तराधिकारी धम्म ही होगा। यानी जो ये प्राकृतिक नियम है यही सुप्रीम रहेंगे और ये अपने खुद के उत्तराधिकारी रहेंगे, खुद के चीफ यही रहेंगे। ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा। अपने लिए उन्होंने ना परिवारवाद, ना व्यक्तिवाद, ना पूजा, ना अर्चना, ना कोई भक्ति, ना कोई विनय, ना कोई परिवार दर्शन, ना कोई व्यक्ति दर्शन, मतलब हर चीज़ से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल मुक्त किया। इसलिए वो बुद्ध थे। अगर वो इसमें लिप्त रहते तो फिर वो बुद्ध नहीं होते, फिर तो साधारण एक साधु या संत इस तरह के होते। उन्होंने कोई अपने जीते जी कोई मठ भी नहीं बनाया, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बनाई, और ना ही इसके लिए उन्होंने कोई आदेश दिया। अपने पीछे या अपने बाद उन्होंने कोई संप्रदाय बनाने के लिए या समुदाय बनाने के लिए भी नहीं कहा। बौद्ध शब्द आपको पूरे त्रिपिटक में कहीं मिलेगा नहीं, ना ही उन्होंने कोई बौद्ध धम्म नाम से कोई संस्था बनाने के लिए कहा। संघ जरूर होता था, मगर संघ टीचरों का होता था। जो टीचर्स होते थे वो टीचर्स जहाँ इकट्ठे होते थे और जिन्होंने सबने अर्हत या जो उनके अनुयायी शिष्य होते थे उन सबका जो एक नियम पालन करते थे, 227 नियम या 311 नियम जो भिक्कुणी होती थी, वो उनको पालन करने वाले इकट्ठे लोगों को संघ नाम दिया। ये संघ नाम जरूर उन्होंने दिया, मगर इसमें भी उन्होंने संघ को ही सुप्रीम रखा। यानी धम्म सबसे सुप्रीम है और संघ में संघ की चलेगी, और संघ में जो नियम बनते थे वो संघ के हिसाब से चलते थे, और संघ के नियम उन्होंने अपने जीते जी बनाए जो विनय के नियम थे। और उसमें लास्ट में चेंज करने के लिए भी कह दिया कि जो छोटा मोटा आपने चेंज करना हो आप कर लें समय के अनुसार, क्योंकि अगर कोई नियम, अगर कोई किताब अगर बंद हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है, सड़ जाती है, क्योंकि समय बदलेगा तो नियम भी बदलेंगे, ये आवश्यक है। कैसे बदलते हैं? जैसे
पुराने समय में सुरा मेरे मज्जे पमादि ठाने बताया उन्होंने, तो उन्होंने चाय कॉफ़ी नहीं बताई, उन्होंने ड्रग्स नहीं बताई, उन्होंने जो आजकल इंजेक्शन लेके लोग ड्रग्स ले रहे हैं या जो एडिक्शन लेने आ रहे हैं, जैसे फ़ोन का एडिक्शन आ रहा है, गेम का एडिक्शन आ रहा है, ये नहीं बताया, मगर ये उसमें आते हैं, ये मज्जे में आते हैं, मध में आते हैं सारे सारे, तो इनको चेंज किया जा सकता है, ऐसा करके उन्होंने बताया। धम्म प्राकृतिक है और समय के अनुसार बदलता है, ये स्पष्ट उन्होंने उसी समय इसको बता दिया था। साफ साफ उन्होंने कहा था अप दीपो भव, यानी कि आपको खुद अपना गुरु बनना है, धम्म आपको रास्ता दिखाएगा, और अगर धम्म आपको रास्ता नहीं दिखाता है तो इसका मतलब है कि धम्म कहीं ना कहीं करप्ट हो गया है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ आ गई है, फिर आप इसको देखें कि ये कैसे, कहाँ इसमें गड़बड़ी आई, कैसे इसने, क्योंकि धम्म पे चलने पे हजारों लोगों ने वो चीज़ प्राप्त की है जिसको अनंत सुख बोलते हैं, जिसको जीते जी सुख बोलते हैं, इसलिए धम्म में कोई कमी नहीं है, उसके पालन में आई है या जो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है उसमें आई है या उसमें कुछ मिक्स कर दिया गया है, इसलिए धम्म की जो एफिशिएंसी है या धम्म का जो रिजल्ट है वो इतना नहीं आ रहा, वो चेक करने के लिए उन्होंने साफ साफ बोला। इसलिए इतना स्पष्ट है कि आप जब भी उन्होंने कोई ऐसी बात आई, साफ साफ उन्होंने कहा धम्म ही सबका गुरु होगा, और आज भी धम्म ही सबका गुरु है, सब अपने अपने गुरु अपने आप हैं, यही इसका बल है, और इसी बल के ऊपर ये पूरी दुनिया में फैला। पहला और अंतिम बात है कि धम्म को फैलाने के लिए कहीं कोई प्रचार नहीं किया जाता, ना ही धम्म को फैलाने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, ना ही कोई धम्म को सीखने के बदले कुछ दिया जाता है, ना ही कोई लालच दिया जाता है, ये मिशनरी नहीं है, ये कोई मिशन लेकर नहीं चलता है कि मैं 100 लोगों को धम्म सिखाऊंगा या उनको दीक्षा दूंगा, ये इतनी प्राकृतिक अनमोल चीज़ है कि जो इसे एक बार चख लेता है, जो एक बार इसे देख लेता है, वो अपने पूरे परिवार को सिखा देता है, क्योंकि इससे अनमोल चीज़ कोई है ही नहीं। धन्यवाद।